प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। पीएम ने कहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में भारत की क्षमता, ताकत और उज्जवल भविष्य के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं उस दिन तो नहीं कह सका, लेकिन मैं खड़गे जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मैं उस दिन उनकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था और आनंद से सुन रहा था। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पश्चिम बंगाल से आपके सामने चुनौती खड़ी हो गई है कि कांग्रेस 40 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 सीटें सुरक्षित करने में सक्षम हों। पीएम मोदी ने कहा, मुझे पिछले साल की घटना याद है। हम उस वक्त सदन में बैठते थे और देश के पीएम की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती थी। आज भी आप ना सुनने की तैयारी के साथ आए, लेकिन आप मेरी आवाज नहीं दबा सकते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में मेट्रो में की यात्रा। अपनी यात्रा के दौरान स्कूली छात्रों से की बातचीत। उत्तराखंड में भी कई जगहों पर छापा। कांग्रेस नेता हरक सिंह के यहां छापेमारी। हरक सिंह रावत सहित उनके करीबियों के यहां भी ईडी की रेड। हरक सिंह रावत की आवाज पर ईडी की छापेमारी। आवाज पर चाबी बनाने वाला लड़का निकला बाहर। कहा, अलमारी की चाबी बनाने के लिए संपर्क किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय स्टेट बैंक की विधानसभा शाखा का उद्घाटन किया। बिहार के बाद यूपी में भी इंडिया गठबंधन पर ग्रहण। यूपी में भी इंडिया गठबंधन को लग सकता है करारा झटका। सीट बंटवारे को लेकर सपा आरएलजी में कला एनडीए में शामिल हो सकती है आरएलजी। बीजेपी नेताओं ने कर्नाटक सरकार के खिलाफ बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन किया। काफी संख्या में बीजेपी नेता रहे मौजूद। जंतर मंतर पर कर्नाटक कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे। इस प्रदर्शन में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डी के शिव कुमार हुए शामिल। दिल्ली में कर्नाटक कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा, हमें उम्मीद है कि सरकार हमारा विरोध सुनेगी और हमारा मुख्य उद्देश्य राज्य और कन्नड़ लोगों के हितों की रक्षा करना है। कर्नाटक कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी के शिव कुमार ने कहा, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमें जो भी प्रतिशत मिलना चाहिए उसका 13% हमें मिल रहा। अगर अन्य राज्यों को लाभ मिलता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह के मामले में चुनाव आयोग द्वारा अजित पवार के पक्ष में फैसला सुनाए जाने पर यूपी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ऐसा माहौल बनाया हुआ है पूरे देश में कि पैसा फेंक तमाशा देख जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। दिल्ली में केंद्र के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने कहा, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार झूठों की सरकार है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं जबकि कांग्रेस भारत तोड़ो यात्रा।